चैनलों के बहिष्कार के नाम है जो झूठी खबरें, दंगे फसाद करवाने वाली खबरें, मजदूरों को आपस में ही बांटने वाली खबरें और सरकार के प्रचार की जो मीडियम बनी हुई है अगली शपथ इन तमाम मीडिया चैनलों के नाम है। सारे साथी दोनों हाथ अब ऊपर उठा लें और पूरे जोश और खरोश के साथ हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि कम से कम आने वाले चुनावों तक मौजूदा सरकार भाजपा और संघ परिवार के इशारों पर झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले समाचार चैनलों जैसे कि सी न्यूज़, रिपब्लिक न्यूज़, इंडिया टीवी और आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे और चैनल हैं, ऐसे सभी समाचार चैनलों का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे और आज ही टीवी से इनका कनेक्शन कटवा देंगे। जो मीडिया बहनों भाइयों साथियों जनता के दुख दर्द की, जनता की समस्याओं की खबर नहीं दिखाए वो मीडिया गोदी मीडिया होती है, वो मीडिया मोदी मीडिया होती है। और मोदी मीडिया की हमें जरूरत नहीं है, हमें जनता की असली मीडिया की जरूरत है। कुछ चैनल ये काम कर रहे हैं, वो चैनल जानते हैं, ऐसे पत्रकार काम करते हैं, लेकिन हाँ जो झूठ का प्रचार करेंगे, सरकार का झूठा प्रचार करेंगे, उनको तो हमारा बहिष्कार झेलना पड़ेगा। साथियों मैं ये भी कहूंगी कि न्यूज़ 24 प्रोडक्शन की जो टीम है, जो आमतौर पे फ्रीलांसर्स की ही टीम है, वो एक सराहनीय काम कर रही है कि इस तरीके के जहाँ पर भी मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के आंदोलन है उनको कवर करने का काम कर रहे हैं। और एक तरीके से जो जनपक्षधर मीडिया को आज रोल निभाना चाहिए उस तरीके का कहीं ना कहीं वो रोल निभाने का काम करें, भले ही छोटे स्तर पर। तो मैं इस जो कदम है इसकी सराहना करती हूँ और मैं चाहूँगी कि इस तरीके के अन्य जगह भी प्रयास होते रहें। और जो इस वक्त कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है उनके जवाब के तौर पे हमें इसी किस्म के जनपक्षधर मीडिया के एक पूरे नेटवर्क को खड़ा करना पड़ेगा, जो अपनी फंडिंग का सोर्स किसी चुनावी पार्टी, किसी कॉरपोरेट घराने, किसी एनजीओ, किसी चुनावी पार्टी को ना बनाए, बल्कि जनता से, जनता के बेटे बेटियों से, आम मजदूर आबादी से अपने फंडिंग के भी रिसोर्स को जुटाए। प्रोटेक्शन 24 के साथ ही एक बहुत ही सराहनीय प्रयास करें और हमें इसकी जाहिर तौर पर प्रशंसा करनी चाहिए। शुक्रिया।